सो लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ कोई एक पॉइंट मान के चलते हैं जहाँ पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ इस लोकेशन पर चार्ज Q1 है। Q1 और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान खींच लिया R1। फिर दूसरा चार्ज मैं लेता हूँ Q2, तो Q2 और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस है R2। उसी तरीके से चार्ज Q3 और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनके बीच का डिस्टेंस है R3। ऐसा अगर हम लोग करते जाए और मान लीजिए nth चार्ज Qn यहाँ रखा गया है एंड इट इज़ एट डिस्टेंस Rn फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैं P बता देता हूँ। तो इंडिविजुअली चार्जेस ने पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट कर दिया, और जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इस पर हम जनरल मैथमेटिक्स के रूल, अल्जेब्रिक सम, डिफरेंस वाले रूल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, चार्ज Q1 ने जो पोटेंशियल तैयार किया होगा उसे मैं बोल दूंगा V1। V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 को मैं लिख देता हूँ K। सो हियर इट इज़ V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। उसी तरीके से V2 ड्यू टू चार्ज Q2 इट इज़ K Q2 डिवाइडेड बाय R2। V3 इज इक्वल टू K Q3 डिवाइडेड बाय R3। एंड द सेम वे इफ यू गो ऑन VN ड्यू टू nth चार्ज इट इज़ K Qn डिवाइडेड बाय Rn। तो पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर हम लोग सोचते हैं तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑल पोटेंशियल क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन अप टू VN। तो इन सब को जब मैं रखता हूँ तो K तो सेम कॉमन निकल जाता है और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस सो ऑन अप टू Qn डिवाइडेड बाय Rn। सो पोटेंशियल एट P इज K एंड दिस इज समेशन Qi डिवाइडेड बाय Ri वेयर एज I वेरीज फ्रॉम 1 to up to n, या फिर Vp कैन बी इक्वल टू 1/4πε0 समेशन Qi डिवाइडेड बाय Ri I वेरीज फ्रॉम 1 to up to n।